ऑलराइट फ्रेंड्स, नाउ अगेन आप ले लीजिए वापस से, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 41 इन क्वेश्चन बुक, एंड देन क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 7.26 इन सॉल्यूशन बुक. ठीक है, सेम सम. अब जैसा उन्होंने पूछा है, उन्होंने पूछा है एवरेज इन्वेंट्री मेथड. एवरेज, एवरेज मीन्स योर वेटेड एवरेज कॉस्ट. और ये बहुत ही आपका, मैं कहूंगा तो एकदम सिंपल आपका मेथड है. इसमें कुछ आपको ज्यादा सोचना नहीं है. एक बार मैं वापस से पूरा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. क्वेश्चन 3, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग टू प्रोसेस ए फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी 2016. प्रोडक्शन ओपनिंग डब्ल्यू आई पी 1/2/2016 4000, मेटेरियल 100%, लेबर एंड ओवरहेड 25%, न्यू यूनिट्स इंट्रोड्यूस 16000, यूनिट्स कंप्लीटेड 14000, और एंड में मिस क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी 28/2 को जो डब्ल्यू आई पी है वो क्लोजिंग हो जाएगा 100% मेटेरियल, 33 1/3 फॉर लेबर एंड ओवरहेड. कॉस्ट अपने को ओपनिंग डब्ल्यू आई पी का वैल्यू दे रखा है, मेटेरियल लेबर ओवरहेड 6000 1000 1000, कॉस्ट ड्यूरिंग द मंथ मेटेरियल लेबर ओवरहेड. प्रज्यूमिंग दैट एवरेज मेथड ऑफ इन्वेंट्री यूज प्रिपेयर स्टेटमेंट स्विंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर ईच एलिमेंट स्टेटमेंट स्विंग अपॉर्चमेंट ऑफ कॉस्ट एंड ये सेम स्टेप्स जो हमारे रहते हैं वही स्टेप में इन्होंने अपने से आंसर पूछा. तो इसमें इज वेरी सिंपल, दिस इज योर वर्किंग नोट नंबर 1. इसमें कुछ भी नहीं करना है, एकदम सिंपल आपको जाना है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट. देखो आपका ओपनिंग डब्ल्यू आई पी था 4000 यूनिट्स, राइट, मटेरियल लेबर ओवरहेड 100%, 25% इनपुट 16000, टोटल मिलके आपका हो गया 20000. आउट ऑफ दिस दे दीजिए 14000 एंड क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी ऑफ 6000. सही है, सुनो. अब इसमें हम ऐसा नहीं देखते, राइट, फीफो में हम देखते थे कि पहले 4000 को कंप्लीट करेंगे, राइट, लीफो में हम देखते थे कि पहले हम 16000 से कम. इसमें ऐसा नहीं देखते, इसमें हम देखते हैं कितना आउटपुट मिला और कितना और मिलने वाला है, कितना फिनिश गुड्स मिला और कितना इक्विवेलेंट टू और फिनिश गुड्स मिलने वाला है. इसका मतलब इसको फिनिश गुड्स कैसे बोलेंगे, मटेरियल लेबर ओवरहेड 100% क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी मटेरियल लेबर ओवरहेड 100%, दिस इज योर 33 1/3% और 33 1/3%. इसका मतलब एक मेरे को ये फिनिश गुड्स मिल गया, एक मेरे को डब्ल्यू आई पी मिल गया. टोटल कॉस्ट ले लूंगा, इसको आउटपुट को डिवाइड कर दूंगा, पर यूनिट कॉस्ट आएगा और वैल्यूएशन कर दूंगा. इट्स सो सिंपल करके ना. ओपनिंग डब्ल्यू आई पी, ओपनिंग डब्ल्यू आई पी क्या था मेरा, बोलो, 4000 100 25 25. इन लोगों ने बोला यहां पे एवरेज कॉस्ट मेथड. एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट मीन्स आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट. इट मीन्स योर टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल आउटपुट. आपको कैसे मिला है, क्यों मिला है, उससे आपको लेना देना नहीं है. यू टेक द टोटल कॉस्ट एंड दैट टोटल कॉस्ट को यू डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट, आपका क्या आ जाएगा, सिंपल. आर यू फॉलोइंग योर नोट फ्रेंड्स? ओके, देखो जरा कैसे करेंगे. इट मींस योर स्टेप नंबर 1 से, यस और नो फ्रेंड्स, दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन. बहुत ही इजी कंसेप्ट है ये. इनपुट पर्टिकुलर्स, आउटपुट मटेरियल
लेबर ओवरहेड परसेंटेज क्वांटिटी फर्स्ट ओपनिंग डब्ल्यू आई पी 4000 इनपुट 16000 फिनिश गुड्स 40। अब आपको कैसे मिला है वो नहीं देखना है, आपको कितना आउटपुट मिला है सिर्फ आपको वही देखना है 14000। किसी भी गुड्स को फिनिश गुड्स का बोलेंगे 100% इन केस ऑफ मटेरियल, 100% इन केस ऑफ लेबर, 100% इन केस ऑफ ओवरहेड, देन क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी 600% 633 1/3 टू 33 1/3 टू 20 16 and 60। दिस इज व्हाट योर एच पर वेटेड एवरेज आपका सही है। आपको कुछ नहीं देखना है, आपको कितना इनपुट, ये इनपुट आपका ये ओपनिंग डब्ल्यू आई पी इनपुट, और कितना फिनिश गुड्स मिल गया और कितना फिनिश गुड्स और मिलने वाला है, और इसके लिए हमने, इसका मतलब हमारा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हो गया 20 16 and 16। अब इसके लिए आपने कितना खर्चा किया, पहले भी किया और अब भी किया, इट मींस दिस इज योर स्टेप नंबर टू, दिस इज योर स्टेप नंबर टू, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल लेबर ओवरहेड टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। टोटल कॉस्ट आपका, अब आप देख लीजिए कितना आपका टोटल कॉस्ट लगा मटेरियल, कितना लेबर, तो ओपनिंग आपका कॉस्ट लगा था 6000 मटेरियल में, 1000 लेबर में, 1000 ओवरहेड में, फिर वापस आपने कॉस्ट डाला मटेरियल में 25600, लेबर में 15000 और ओवरहेड में डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट प्रोडक्शन 20 16 and 16, कॉस्ट पर यूनिट विल बी 31600 डिवाइडेड बाय 20000 इज 1.58, दिस इज 1 एंड दिस मींस टोटल कॉस्ट पहले कितना खर्चा हुआ था ओपनिंग को बनाने में, प्लस अभी कितना ओपनिंग को बनाने में, अभी कितना ओपनिंग को बनाने में, और कितना आउटपुट हमें मिल गया, कैसे मिला वो नहीं देखना है, कितना आउटपुट मिला आपका कॉस्ट पर यूनिट आ जाए, सही है सुनो। इसके बाद आपका आएगा स्टेप नंबर 3, स्टेटमेंट showing valuation, which method weighted average, या इसको बोल सकते हैं average, सही है सुनो, ठीक है, then finished goods quantity cost per unit and total मेटेरियल लेबर ओवरहेड क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी क्या है आपका 14 and 6 14000 14000 14000
6,000 into cost per unit 1.58 1 in 1 1.58 1 1 1.58 1 in. अब आपको ये भी बताऊंगा कि कहां पे वेटेड एवरेज नहीं लग सकता है करके ना. इट मीन्स 14,000 into 1.58 14,000 into 1 14,000 then 14,000 into 1 14,000 then 14,000 into 1 14,000 22 120 plus 14 plus 14 is 50,100 then 2,000 6,000 into 1.58 9,480 so 9,480 plus 2,000 plus 2,000 is 13,000 or 8. That's it. और तो कुछ है नहीं इसमें. अब बना लीजिए, अब आप आ जाइए, आपका बना लीजिए व्हाट इज द प्रोसेस अकाउंट एंड दिस विल बी योर राइट फ्रेंड्स. अब आप आ जाइए, इसके बाद अपन बना लेंगे अपना दिस इज योर स्टेप नंबर 4 एंड प्रोसेस अकाउंट. सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपके पास सॉल्यूशन है प्रिंटेड फॉर्म में, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं. इट मींस टू ओपनिंग WIP, टू मेटेरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड, बाय फिनिश गुड्स अकाउंट वाई WIP. ओपनिंग WIP 4,000, कॉस्ट 8,000, 16,000 25,600 15,000 15,000 14,000 6,000 50,000 120 13,480 निकाला था ना अपने. 20,000 20,000 total 20,000 50 120 plus 13 480 63 दिस इज एच पर द वेटेड. अब वेटेड एवरेज कहां पे नहीं लगेगा मैं वो भी बताता हूं आपको करके. जैसे लीफो आपको बताया था, लीफो कम नहीं लगेगा इफ कंपेयर टू ओपनिंग WIP या क्लोजिंग WIP इज डिक्रीजिंग तो लीफो. अब वेटेड एवरेज कहां नहीं लगेगा वो भी बताता हूं आपको. पहले एक सम और कर लेते अपन वेटेड एवरेज का. क्वेश्चन 5 आप ले लीजिए पहले ना. क्वेश्चन 5 आ रहा है कॉन्फिडेंस फ्रेंड्स. क्वेश्चन 5 पेज नंबर 42 ऑफ क्वेश्चन बुक. क्वेश्चन 5 पेज नंबर 7.28 ऑफ सॉल्यूशन बुक. वेटेड एवरेज राइट. देखो जरा ओपनिंग WIP दे रखा 2000, लेवल ऑफ कंप्लीशन 160 60, यूनिट्स इंट्रोड्यूस 8000, देर आर 2000 यूनिट्स इन प्रोसेस एंड उसका डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन 150 50. 8,000 यूनिट्स आर ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस,
टू प्रोसेस कॉस्ट फॉर द पीरियड मटेरियल लेबर ओवरहेड फाइंड आउट द वैल्यू आउटपुट ट्रांसफर क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी यूजिंग एवरेज कॉस्ट. एवरेज कॉस्ट मीन्स योर वेटेड एवरेज कॉस्ट. एवरेज कॉस्ट मीन्स योर वेटेड एवरेज कॉस्ट. सिंपल उसी तरह से अपन को करना है. पहले दिस इज योर वर्किंग नोट नंबर वन. दिस इज योर एवरेज कॉस्ट मेथड वी आर यूजिंग. राइट, फर्स्ट आप देख लीजिए फ्रेंड्स. फर्स्ट इज योर ओपनिंग डब्ल्यू आई पी. वॉट इज योर ओपनिंग डब्ल्यू आई पी इज 2000 यूनिट्स. देन इनपुट. इनपुट कितना है 8000 यूनिट्स. इसका लेवल ऑफ कंप्लीशन मटेरियल लेबर ओवर है 160 and 60. ये चार्ट अगर आप बना लोगे तो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. 10000 देन फिनिश्ड गुड्स इज 8000 क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी इज 2000 मटेरियल लेबर ओवरहेड 150 and 50 मटेरियल लेबर ओवरहेड 100 and वर्किंग नोट नंबर वन एवरेज कॉस्ट ओपनिंग डब्ल्यू आई पी 2000 यूनिट्स मटेरियल लेबर ओवरहेड 8000 इनपुट टोटल 10 उसमें से फिनिश गुड्स 8000 मटेरियल 100 लेबर 100 क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी 2100. अपने को ये नहीं देखना है कैसे मिला, अपन को ये देखना है कितना आउटपुट मिला और उसके सामने कितना खर्चा हम लोगों ने किया. कितना आउटपुट अपने को मिला और उसके सामने अपन ने कितना खर्चा किया वो अपन को देखना है. नहीं दिस इज योर स्टेप नंबर वन स्टेटमेंट. स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन. एंड एवरेज कॉस्ट. इनपुट पार्टिकुलर्स आउटपुट मटेरियल लेबर परसेंटेज क्वांटिटी ओपनिंग डब्ल्यू आई पी. व्हाट इज योर ओपनिंग डब्ल्यू आई पी. इनपुट इज 8 देन फिनिश गुड्स क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी. फिनिश गुड्स 100% देन 200% 50% and 50%. हमको ये देखना है कि कितना आउटपुट मिला, कैसे मिला वो नहीं देखना है. एक हमें फिनिश गुड्स मिल रहा है, एक हमें डब्ल्यू आई पी मिल रहा है. उसके लिए हमने लास्ट टाइम कितना खर्चा किया था, इस टाइम कितना खर्चा किया था और हो गया काम. 10,000, 10,000, 10,000, 9,000. ओके देन स्टेप नंबर स्टेटमेंट शोइंग
कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल लेबर ओवरहेड। अब कितना खर्चा किया लास्ट टाइम, मटेरियल 5000, लास्ट टाइम लेबर 3, लास्ट टाइम ओवरहेड 1500, दिस टाइम 95, देन 60 एंड देन 30 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट प्रोडक्शन 10 9 9, कॉस्ट पर केजी विल बी 10 7 एंड 3.5, सही है सर, 10 7 3.5। टोटल कॉस्ट मींस पहले कितना खर्चा हुआ था, अब कितना खर्चा हुआ, और उसके सामने टोटल आउटपुट हमें कितना मिल रहा है, उसके सामने हमें टोटल आउटपुट कितना मिल रहा है, वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट। सही है सुनो फ्रेंड, परफेक्टली क्लियर हो। देन योर स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 इस जो स्टेटमेंट शोइंग वैल्यूएशन ऑफ आउटपुट, कौन सा मेथड, एवरेज कॉस्ट। Finished goods quantity cost per unit total material labor overhead WIP material labor overhead eight thousand into 10 into 7 into 3.5 2000 1000 1000 into 10 7 3.5, eight thousand into 3.5 28, it means 80 plus 56 plus 28 will be 164, say yes or no. Then 20,000, 7,000, 3,500, 30,000, 500, process is on. Step number 4, procedure. To opening WIP, to material, to labor, to overhead. 2000, 9500, 8000, 95, 60, 30 by finished goods account by WIP. Finished goods 8000,
वैल्यूएशन क्या निकाला था अपन ने, 164 and 30,500, 164, 2000, 30,000, 500, 194, 500, 194, 500, 10,000 and, oh yeah. अब मुझे आपको लेके चलना है कि वेयर द वेटेड एवरेज कॉस्ट इज नॉट पॉसिबल. आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट पॉसिबल क्यों नहीं होगा? वेटेड एवरेज कॉस्ट इज नॉट पॉसिबल. ओके, तो आप जरा रिफर करिए क्वेश्चन नंबर फोर. क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर, पेज नंबर 42 इन क्वेश्चन बुक. ओके, एंड क्वेश्चन नंबर फोर पेज नंबर 7.30 इन सॉल्यूशन बुक. सही है सुनो. सही है सुनो. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ न्यू कलर लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2016. स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट अपॉर्चमेंट ऑफ कॉस्ट, प्रोसेस अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक 4 रुपीज के हिसाब से 200, मटेरियल 100% कंप्लीट, लेबर एंड ओवरहेड 40%, इंट्रोड्यूस 1050, ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 1100, क्लोजिंग WIP 150, मटेरियल 100%, लेबर एंड ओवरहेड 70%. अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोसेस अकाउंट इज मटेरियल 3150, लेबर 4500 एंड ओवरहेड. पहला वही, दिस इज वर्किंग नोट नंबर 1 एज पर एवरेज कॉस्ट. ओपनिंग WIP, मेटेरियल, लेबर, ओवरहेड 100%, 40%, 40%, इनपुट 1050, टोटल फिनिश गुड्स 1100 एंड क्लोजिंग WIP is. हमको ये नहीं देखना है कि कैसे मिल रहा है, हमको ये देखना है कितना आउटपुट मिल रहा है. एक फिनिश गुड्स मिल रहा है, एक WIP मिल रहा है, और ये टोटल टैली हो रहा है. फिनिश गुड्स कब होगा? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड 100%, 100%, 100%, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड 100%, 70% एंड 70%. ये आपको क्लियर हुआ था? बोलो. वर्किंग नोट हम लोगों ने बनाया, ओपनिंग WIP 200, मटेरियल 100, 40, 40, इनपुट 1050, उसमें से फिनिश गुड्स मिल रहा है. फिनिश गुड्स, किसी भी गुड्स को फिनिश गुड्स का बोलेंगे, 100% मटेरियल, 100% लेबर, 100% ओवरहेड, देन देयर इज ए क्लोजिंग WIP 177. सही है सर. इसके बाद अपन इसका बनाएंगे स्टेप नंबर 1. दिस इज स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इनपुट पर्टिकुलर्स, आउटपुट मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, परसेंटेज क्वांटिटी, ओपनिंग WIP क्या दे रखा है अपन को, ओपनिंग WIP 200, इनपुट फिनिश गुड्स 1100, 100%
1100 and 100%, then closing WIP 150, 100%, 150, 70%, 105, 70%, 105, 1250, 1250, 1250, 1205, 1205. ये क्लियर हुआ है क्या दे रखा है अपन को? ओपनिंग डब्ल्यू आई पी, इनपुट, इनपुट में से फिनिश गुड्स पूरा निकल गया। हमको ये नहीं देखना है कैसे मिला, हमको ये देखना है कितना मिला, हमको ये नहीं देखना है कैसे मिला, हमको ये देखना है कितना मिला। क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी, इनपुट, आउटपुट। अब अपन का क्या आता है स्टेप नंबर 3, दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, टोटल कॉस्ट, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, कॉस्ट पर यूनिट। अब यहां पे प्रॉब्लम है, यहां पे अपने को क्या दे रखा है 4 रुपीज, लेकिन 4 रुपीज में अपने को ये नहीं मालूम है हाउ मच इज मटेरियल, हाउ मच इज लेबर, हाउ मच इज ओवरहेड। 4 × 200 आपका तो ओपनिंग डब्ल्यू आई पी का वैल्यू है 800, लेकिन हमको तो ये चाहिए ना इसमें मटेरियल कितना, लेबर कितना, ओवरहेड कितना, अदरवाइज कैसे निकालेंगे कॉस्ट। इसका मतलब इसके अंदर अपने पास ब्रेकअप नहीं है, हाउ मच इज मटेरियल, हाउ मच इज लेबर, हाउ मच इज ओवरहेड, इसके अंदर ब्रेकअप नहीं है। जब ब्रेकअप नहीं है तो हमारा ये कैसे कंप्लीट होगा? जब अपने पास ब्रेकअप नहीं है तो ये कंप्लीट होगा नहीं। इसका मतलब इन दिस केस वेटेड एवरेज इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द कॉस्ट ब्रेकअप ऑफ ओपनिंग डब्ल्यू आई पी इज नॉट गिवन, बिकॉज द कॉस्ट ब्रेकअप ऑफ ओपनिंग डब्ल्यू आई पी इज नॉट गिवन। आपका ओपनिंग डब्ल्यू आई पी का कॉस्ट ब्रेकअप नहीं दे रखा है, आपका सही है सुना, सही है सुना, परफेक्टली क्लियर होना ओके। इसका मतलब ये वेटेड एवरेज से सॉल्व नहीं हो सकता करें, सही है सुना ओके। अब मैं आपको लेके चलता हूं कि इसी केस में, अगर इसी केस में आपको नॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल गेन है, तो हम क्या करेंगे बाय लीफो फीफो वेटेड एवरेज। अच्छा, दूसरा, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, हमेशा आपको मेथड कौन सा लेना है इज ए फीफो। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन मेथड यू टेक ऑलवेज फीफो बिकॉज इट इज टेक्निकली ऑल्सो करेक्ट। मशीन में जो पहले पहले वही आउट होगा ना, बाद वाला कैसे हो जाएगा। एंड ओके, सो इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन यू टेक मटेरियल 100% एंड लेबर एंड ओवरहेड 50% इन केस ऑफ क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी। इसका मतलब मेथड आपको क्या लेना चाहिए, आपको फीफो लेना चाहिए अगर मेथड नहीं दे रखा है, और क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी का, क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी का अगर कंप्लीशन परसेंटेज नहीं है तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड इज 100, 50 एंड 50 लेना चाहिए। ये दो अजम्पशन आप बाय हार्ट कर लीजिए। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन मेथड आपको क्या लेना है फीफो, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन फीफो एंड क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी आपको लेना है 100, 50, 50। ये आपको क्लियर हुआ थी फ्रेंड्स, 100, 50, 50, इज दिस क्लियर होना ओके। अब इसी के बेस पे एक बहुत अच्छा आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, आप जरा देख लीजिए। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 43 इन क्वेश्चन बुक, एंड क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 7.31 इन
सॉल्यूशन बुक एंड सॉल्यूशन बुक सही है सर। ऑलराइट, द फॉलोइंग डाटा पर्टेन्स टू प्रोसेस वन फॉर मार्च 2016 ऑफ बीटा लिमिटेड। मार्च वन को 2016 ऑफ बीटा लिमिटेड ओपनिंग डब्ल्यू आई पी 1500, उसका वैल्यू दे रखा है 15,000। अब देखो 1500 और टोटल वैल्यू दे रखा है, इसका मतलब वेटेड एवरेज मेथड यहां पे या एवरेज मेथड यहां पे लगेगा नहीं, क्योंकि अपन को कंबाइंड कॉस्ट दे रखा है। 15,000 का ब्रेकअप नहीं है कि 15,000 में मटेरियल कितना, लेबर कितना, ओवरहेड कितना, इसका मतलब वेटेड एवरेज लगेगा नहीं। डिग्री ऑफ कंप्लीशन मटेरियल 100%, लेबर एंड ओवरहेड 33 1/3। इनपुट 18,500, 52,000, डायरेक्ट लेबर 14,000, ओवरहेड 28,000, क्लोजिंग WIP 5,000। डिग्री ऑफ कंप्लीशन मटेरियल 90%, लेबर एंड ओवरहेड 30%। नॉर्मल प्रोसेस लॉस 10% ऑफ द इनपुट ओपनिंग WIP प्लस इनपुट स्क्रैप वैल्यू 2 रुपीज। यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस इज 15,000। यू आर रिक्वायर टू कंप्यूट द इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, कंप्यूट द कॉस्ट पर इक्विवेलेंट फॉर ईच एलिमेंट मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड आउटपुट क्लोजिंग WIP, प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट एंड एज्यूम FIFO मेथड इज यूज्ड बाय द कंपनी, द कॉस्ट ऑफ ओपनिंग WIP इज फुल्ली ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। सबसे पहले जैसे भी आपको डाटास दे रखे, जैसे भी आपको डाटास दे रखे हैं, आपका सबसे पहले काम होना चाहिए, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रखा है, आपका सबसे पहले काम होना चाहिए कि ट्राई टू पुट इनटू द टेबुलर फॉर्म, दिस वर्किंग नोट में आप डाल दीजिए। दिस इज योर, हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड योर पेज नंबर 43। ओके, दिस इज योर प्रोसेस वन, बहुत ध्यान से देखिए अपना फ्रेंड। पहला ओपनिंग WIP 1500 यूनिट्स, मटेरियल 100%, लेबर ओवर है। ठीक है, देन यू गो टू इनपुट, इनपुट आपको दे रखा है 18,500, टोटल 20,000। अजम्पशन आपको लेना है इज FIFO, क्वेश्चन में दे रखा है FIFO दे रखा है, नहीं भी दिया होता तो भी FIFO लेंगे। ओके, देन नॉर्मल लॉस, व्हाट इज द नॉर्मल लॉस, 10% ऑफ 20,000, इट मीन्स 2,000 यूनिट्स। Expected output is 18,000. Out of there is a closing WIP. What is the closing WIP? 5,000 units. What is the level of completion? Material, labor, overhead 90, 30 and 30. Then expected finished goods is 13,000, but आपको actual में मिल रहा है, actual finished goods is 15,000. And that's why there is a abnormal gain of 2,000. एक एक करके आप पॉइंट को समझ लीजिए। ओपनिंग WIP, ओपनिंग WIP 1500, मटेरियल 100, लेबर 33 1/3, ओवरहेड 33 1/3, इनपुट कितना है 18,500, 20,000, नॉर्मल लॉस 10% ऑफ 20,000, इट मीन्स 2,000,
एक्सपेक्टेड आउटपुट 18,000, क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी 5,000, मेटेरियल 90, 30, 30, एक्चुअल फिनिश गुड्स 15,000, चाहिए था अपने को 13, मिल रहा है 15, दैट्स व्हाई देयर इज ए एबनॉर्मल गेन ऑफ फिनिश गुड्स। सही है, सुनो, परफेक्टली क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपको? इसके दो पार्ट, दिस इज योर फिनिश गुड्स 1 एंड फिनिश गुड्स 2, बिकॉज वी आर फॉलोइंग फीफो मेथड, इट मीन्स फर्स्ट वी विल कंप्लीट 15% मटेरियल लेबर ओवरहेड पहले से कंप्लीट है 66.67%, देन वी विल टेक 13,500 मटेरियल लेबर ओवरहेड 100% एंड 100%, then you take abnormal gain 2,000 material labor overhead is 100% 100% and 100%। say yes, बस सब कुछ आपको प्रिंट करके मैंने दिया हुआ है, तो कुछ भी देने की जरूरत नहीं। बहुत ध्यान से आप एक एक पॉइंट को समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक्सपेक्टेड फिनिश गुड्स 13,000, एक्चुअल अपने को मिल रहा है, पहले हम 1500 को कंप्लीट करेंगे और फिर हम 13,500 लेंगे। बोलो यस और नो फ्रेंड्स, परफेक्टली क्लियर और नॉट? राइट फ्रेंड्स, ये हम लोग पहली बार कर रहे हैं जहां पे अपने को ये नॉर्मल लॉस भी दे रखा है ओपनिंग डब्ल्यू आई पी के साथ। अब देखो ये सम वेटेड एवरेज से नहीं हो सकता था क्योंकि कॉस्ट ब्रेकअप नहीं है। अच्छा, लीफो से भी नहीं हो सकता है क्योंकि स्टार्टिंग में आपका कंप्लीशन परसेंटेज क्या है, ज्यादा है, और एंड में आपका कंप्लीशन परसेंटेज कम है। मैंने क्या बताया था, लीफो इज नॉट एप्लीकेबल कंपेयर टू ओपनिंग डब्ल्यू आई पी और क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी डिक्रीजिंग। यहाँ पे आपका क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी हो रहा है डिक्रीज। जब कंपेयर टू ओपनिंग डब्ल्यू आई पी आपका क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो नहीं करेंगे। सही है सर, ओके, क्या करेंगे फ्रेंड्स, आ जाइए आप। इट मीन्स स्टेप नंबर 1, स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एंड वी आर फॉलोइंग फीफो, इनपुट पर्टिकुलर्स आउटपुट मटेरियल लेबर परसेंटेज। सेम फॉर्मेट, मतलब जो आपको मेन जो बेनिफिट होगा दैट इज ए फॉर्मेट, फॉर्मेट आपको सेम है आपका। फॉर्मेट, फॉर्मेट पार्ट आपका क्या है फ्रेंड्स, बोलो, फॉर्मेट पार्ट आपका एकदम सेम। सही है सर, ठीक है। इट मींस पहले अपने लिया ओपनिंग डब्ल्यू आई पी, व्हाट इज योर ओपनिंग डब्ल्यू आई पी इज 1500, देन इनपुट 18,500, फिनिश गुड्स 1, बिकॉज पहले ये जाएगा क्योंकि वी आर फॉलोइंग फीफो मेथड, 1500 मटेरियल नील, लेबर एंड ओवर है क्योंकि पहले से कंप्लीट था, लेबर एंड ओवर 33 1/3 कंप्लीटेड, इट मीन्स 66.67 1,000 and 1,000, फिनिश गुड्स 2, 13,500, 100%
13,500 then closing WIP 5,000 90% 4,500 30% 1,500 and 30% 1,500 okay then there is a normal loss 2,000 it means input 20 लेकिन आउटपुट क्या हो गया 1500 प्लस 13500 प्लस 5 प्लस 2 22 18 1 प्लस 13500 प्लस 1500 इज 16 लेस एबनॉर्मल गेन क्योंकि हमने 20 इनपुट डाला तो हमको आउटपुट भी कितना चाहिए 20 चाहिए 2000 100% 2000 लॉजिक आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं फ्रेंड्स अगर एबनॉर्मल गेन रहेगा तो माइनस एबनॉर्मल लॉस रहेगा तो प्लस आगे एबनॉर्मल लॉस का भी एक क्वेश्चन करा देता हूं दिस इज 20 ये आपका एक्चुअल प्रोडक्शन था ये हमारा है नॉर्मल प्रोडक्शन हमको एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं चाहिए हमको क्या चाहिए नॉर्मल प्रोडक्शन 16 14 एंड 14 ये आपका क्या हो गया इसको बोलेंगे इज ए नॉर्मल वी आर फॉलोइंग फीफो इज द मेथड फीफो मेथड हम लोग फॉलो कर रहे हैं फीफो से हमारा नॉर्मल प्रोडक्शन आया 16 14 एंड 16 इन केस ऑफ मटेरियल 14 इन केस ऑफ लेबर एंड 14 इन केस ऑफ ओवरहेड सही है सुनो कैसे करेंगे इट मींस देन योर Step number 2 statement showing cost per unit. Materials total cost. 52,000 less realization from normal loss 2,000 into 2 4,000 40 labor overhead 14,000 28,000 आपका प्रोडक्शन है 16, 14, 14 दिस इज योर डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आपका कॉस्ट पर यूनिट आएगा 3,1 सही है सुना फ्रेंड्स अब कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगा 3,1 एंड 1 टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट मटेरियल का अपन को दे रखा है उसमें से अपन ने रियलाइजेशन फ्रॉम बिकॉज अवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट व्हाट इज द नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अवर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू फाइंड आउट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइट उसके बाद आपका वैल्यूएशन आ जाएगा फ्रेंड्स दिस इज योर स्टेप नंबर Statement showing
वैल्यूएशन ऑफ आउटपुट फिनिश्ड गुड्स वन क्वांटिटी कॉस्ट पर यूनिट टोटल ओपनिंग कॉस्ट। ओपनिंग कॉस्ट अपने को दे ही रखा है क्वेश्चन में 15,000। जो मेटेरियल लेबर ओवरहेड आपका 100% कंप्लीट हुआ था ना, मेटेरियल ये आपका ओपनिंग कॉस्ट है ना, मेटेरियल लेबर ओवरहेड 100% 33 1/3% 33 1/3% इसका कॉस्ट ये है 15,000। अब किसी भी गुड्स को फिनिश गुड्स कब बोलेंगे, ये 100 होना चाहिए, ये 100 होना चाहिए, ये 100 होना चाहिए, तो हमको बाकी का 60.67 का ऐड करना पड़ेगा कि नहीं, तभी तो ये फिनिश गुड्स का कॉस्ट मिलेगा ना फ्रेंड्स अपने को। ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, तभी तो आपको मिलेगा ना फ्रेंड्स। बोलो या सुनो, लेबर ओवरहेड 1,000 इंटू व्हाट इज द कॉस्ट पर यूनिट इज 1,000 इज 18,000 देन फिनिश गुड्स टू मेटेरियल लेबर ओवरहेड 13,500 into 312 yes, then closing WIP material labor overhead ले लेते हैं 13,500 इंटू 13,500 27,000 is 81 say yes or no। टोटल कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स 1 + 2 विल बी 18 + 81 is 99,000। बोलो यस और नो, ये आपका हो गया वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स। आपको दे रखा था ओपनिंग कॉस्ट विच इज, क्योंकि इसका ब्रेकअप नहीं है 15,000 का, इसके लिए हम लोग इसको सम को वेटेड एवरेज से सॉल्व नहीं कर सकते, राइट। इज दिस क्लियर? दिस इज 99,000। देन यू गो मेटेरियल लेबर ओवरहेड क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी इज 4,500 1,500 क्वांटिटी कॉस्ट पर यूनिट एंड एबनॉर्मल गेन मेटेरियल लेबर ओवर है 2,000
इंटू 3.2 4500 इंटू 3 13500 प्लस 1500 प्लस 3000 इज 18000 6, 2, 4, 18000, 12000, 99000. Process account. Opening WIP. To opening WIP 1500 15000 to material account labor account overhead account 52 14 28 by normal loss by finished goods by closing WI. $2,000, $4,000 finished goods 15,000, 99,000, 18,000. गलत ना अपने abnormal gain 18,000 and then there is a 2 abnormal gain 2000 value is 12. This is 18,500. It means $1,500 plus $18,500 plus $2,000. $1,500 plus $52 plus $14 plus $2,000 is $15,000 plus $52 plus $14 plus $28 plus $12, 121,000. 121,000, right? 4,000 plus 99 plus 80. Normal loss account, abnormal gain account. 2 process account by process account. मैंने आपको क्या बताया था, पहले abnormal gain को normal loss के साथ adjust करते हैं. by abnormal gain 2000 4000 पूरा चला जाएगा. टू नॉर्मल लॉस 2000 4000 टू
कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट 8000। सोल्यूशन बुक तो आपके पास है फ्रेंड्स, कंप्लीट सम आपका हुआ विद नॉर्मल लॉस। अब एक आपको मैं कराता हूं एबनॉर्मल लॉस वाला ना, ये एबनॉर्मल गेन वाला था, अब आपको एक एबनॉर्मल लॉस और एक आपको मैं करा देता हूं मिसिंग फिगर का। सही आसान ओके। अब मैं आपको कराता हूं क्वेश्चन नंबर 7, आप जरा देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ऑलराइट फ्रेंड्स, इट मींस योर क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 44 फ्रॉम क्वेश्चन बुक, क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 7.34 सॉल्यूशन बुक, फ्रॉम सॉल्यूशन बुक से ऐसा ओके। देखेंगे जरा क्वेश्चन 7.34 फ्रॉम क्वेश्चन बुक 44 क्वेश्चन नंबर 7। द फॉलोइंग डाटा आर अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोसेस 1 फॉर फेब्रुअरी 2016। फेब 2016 का आपको इंफॉर्मेशन दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 800 यूनिट्स 4000, इट मींस 800 है और उसका वैल्यू है 4000 और 800 का मटेरियल लेबर ओवरहेड 100% 60% एंड 60%। डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ ओपनिंग WIP इज 160। इनपुट ऑफ मटेरियल एट ए कॉस्ट ऑफ 36800 9200, डायरेक्ट वेजेस 16740, प्रोडक्शन ओवरहेड 8370, यूनिट स्क्रैप्ड 1200। The stage of completion of these units were material, labor, overhead. Closing WIP 900. The stage of completion of these units material 100%, labor 70, overhead 70. 7900 units were completed and transferred to the next process. Normal loss 8% of the total input opening plus this scrap 4 rupees per unit. Compute the equivalent production. Calculate the cost of equivalent for each element. Calculate the cost of abnormal loss or gain, closing WIP and unit transfer to the next process using FIFO method. So the process account. FIFO method. अपने को कैसे कुछ भी पूछे, अपने को सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं उसके करके ना, सेम स्टेप्स। एक कंप्यूट द इक्विवेलेंट प्रोडक्शन स्टेप नंबर 1 अपना हो जाएगा, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ स्टेप नंबर 2 हो जाएगा, एबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग WIP नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफर करने का वैल्यूएशन हो जाएगा हमारा, और प्रोसेस अकाउंट डी हो जाएगा। जो स्टेप्स हमको बनाने वही हमारे आंसर हो जाएंगे करके ना फ्रेंड्स। सही आंसर हो सबसे पहले वही मींस योर वर्किंग नोट नंबर 1। The following data are available in respect of process 1. This is your process 1. Opening WIP. What is the opening WIP? Is 800 units. Material, labor, overhead 100, 60 and 60. Input है आपका 9200 10000। नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड आउट,
इनपुट 36 दिस नॉर्मल लॉस 8% ऑफ 10,000 इज 800 9200 क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी 900 मेटेरियल लेबर ओवरहेड 100% 70% एंड 70% एक्सपेक्टेड फिनिश गुड्स $8,000 300 एक्चुअल 7,900 इट मींस एबनॉर्मल लॉस ऑफ 400। ठीक है, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि एक्चुअल लॉस इक्वल टू नॉर्मल लॉस प्लस एबनॉर्मल लॉस। देखो यूनिट स्क्रैप डे 1200 ना, तो ये 400 प्लस 400 इक्वल टू 1200 यूनिट्स आपकी क्या है, एक्चुअली स्क्रैप्ड यूनिट्स है 1200। देखो जरा एक्चुअली स्क्रैप्ड यूनिट्स है आपकी 1200। ओके, और इसमें उसने डिग्री ऑफ कंप्लीशन बोला, इसका मतलब यहां पे आपका आ जाएगा सी मटेरियल लेबर ओवरहेड 100% 80% एंड 80% यूनिट स्क्रैप का कंप्लीशन दे रखा है। इट मीन दिस इज योर फिनिश गुड्स वन एंड फिनिश गुड्स टू। फिनिश गुड्स वन आपका 800 मटेरियल लेबर ओवरहेड ये आपका हो जाएगा 0 ये 40% ये 40% सही है। सुनो ये हो जाएगा आपका 7100 मटेरियल लेबर ओवरहेड 100% एंड और एबनॉर्मल लॉस यूनिट स्क्रैप्ड में कंप्लीशन परसेंटेज दे रखा है ना 180 80, तो वही आपको कंसीडर करना पड़ेगा। इसके पीछे क्या लॉजिक है वही बताता हूँ आगे ना, पहले ये बताइए ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। परफेक्टली क्लियर हुआ नॉट बोलो। ओपनिंग डब्ल्यू आई पी 800 इनपुट 10,000 नॉर्मल लॉस 8% ऑफ 10,000 एक्सपेक्टेड आउटपुट देन क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी 900 मटेरियल लेबर ओवरहेड एक्सपेक्टेड फिनिश गुड्स 8300 फिनिश गुड्स 7900 तो एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस प्लस नॉर्मल लॉस इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा एक्चुअल लॉस, और वो लॉस का परसेंटेज आपको दे रखा है 180 and 80। सही है सुनो फ्रेंड्स, मटेरियल लेबर ओवरहेड मटेरियल लेबर ओवरहेड सही है सुनो फ्रेंड्स। ठीक है, अब आप आ जाइए दिस इज योर स्टेप नंबर वन। स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बाय फीफो इनपुट पार्टिकुलर्स आउटपुट मटेरियल लेबर ओवरहेड परसेंटेज क्वांटिटी ओपनिंग डब्ल्यू आई पी। व्हाट इज द ओपनिंग डब्ल्यू आई पी इज 800 इनपुट 9200 फिनिश गुड्स 1 800
मेटेरियल निल, लेबर एंड ओवरहेड 40%, राइट। फोर्टी परसेंट फिनिश गुड्स टू 7100, 100% 7100, 100% 7100, 100% 7100, राइट। देन देर इज ए क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी 900, 100% 900, 70% 630, 70% 630, then there is a normal loss 800, nil. ऐसे देखने जाए तो 10,000 हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन हो रहा है 800, 7100, 900 एंड 800 इज 9600. This is 7100 plus 900 is 8000. 320 plus 7100 plus 630. 80, 50, 80, 50. 320, 7100 plus 630. Add abnormal loss. What is the abnormal loss? 400. तभी तो ये tally होगा ना, 10 का 10. ये 10, ये भी 10. 100% 400. 80% 320. 80% 320. It means 8400, 8050 plus 320, 8370 and अब आपको एक कंफ्यूजन छोटा सा हो सकता है कि सर ये एबनॉर्मल लॉस में ये लॉस एबनॉर्मल लॉस तो फिनिश गुड्स का हुआ है, तो फिनिश गुड्स में ये 100 क्यों नहीं लिया आपने, 100 80 80 क्यों लिया है आपने, 100 100 100 क्यों नहीं लिया, ये इसमें एक कंफ्यूजन हो सकता है, तो वो मैं आपका क्लियर कर देता हूं। पहले आप ये बताइए यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं फ्रेंड्स। ओपनिंग डब्ल्यू आई पी है, इनपुट है, पहला फिनिश गुड्स ये चला जाएगा 800, ओके, फिर फिनिश गुड्स टू आपका चला जाएगा, क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी आपका आ जाएगा, नॉर्मल लॉस आपका आ जाएगा ये 10,000, ये आपका जाएगा 8400, 8370 और 837। देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूं, जैसे सपोज यू टेक द एग्जांपल, ये आपका एक प्रोसेस है, ये आपका क्या है, प्रोसेस है, इसमें आप सुगर कैन डालते हो सपोज से 1000 केजी, आपको पता है वन साइड में आपका क्या जाएगा, स्क्रैप जाएगा, और वन साइड में आपका क्या आएगा, ये जूस आएगा। आपने 1000 केजी डाला, आपको लगा 200 केजी लॉस होगा और 800 केजी आपको क्या मिलेगा, जूस मिलेगा, बराबर। दिस इज ए नॉर्मल सिचुएशन, आपका प्रोसेस है, प्रोसेस 1000 केजी है, उसमें स्क्रैप कितना है, स्क्रैप है आपका 200 केजी, और आपको जूस कितना मिलेगा, इज ए 800 केजी। सपोज अगर आपका वर्कर बराबर से काम नहीं कर रहा है, उसने स्क्रैप निकाला 200, बराबर से आपका, बराबर से वर्कर आपका काम ना 200, लेकिन यहां पे योर प्लान का डिजाइन इज नॉट प्रॉपर। एबनॉर्मल लॉस का रीजन क्या होता है कि सपोज योर प्लान का डिजाइन इज नॉट प्रॉपर, आपका प्लान का जो डिजाइन है, आपका जो प्लान का डिजाइन है वो प्लान का डिजाइन प्रॉपर नहीं है, और यहां पे एक छोटा सा होल है,
और होल में से 100 केजी लॉस हो गया, इसका मतलब आपको जूस कितना मिलेगा? ओनली, इसको हम बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस। आपने डाला 1000, स्क्रैप हो गया 200, एक्सपेक्टेड आउटपुट 800 था, प्लांट का डिजाइन बराबर नहीं है, नीचे गिर गया 100 एंड, इसका मतलब यहां पे जो लॉस हुआ है वो फिनिश गुड्स का हुआ है। ये जो लॉस हो रहा है आपको 100 केजी, ये जो लॉस हो रहा है आपको 100 केजी, वो गुड्स बनने के बाद हो रहा है। आपका जो फिनिश गुड्स है, आपका जो फिनिश्ड गुड्स है वो बनने के बाद आपका लॉस हो रहा है, आपका जो फिनिश गुड्स है। तो इसका मतलब यहां पे आपका क्या रहेगा? मेटेरियल 100%, लेबर 100% और ओवरहेड 100%। मतलब ये जो लॉस हुआ है वो फिनिश गुड्स बनने के बाद हुआ है। ये जो आपका लॉस हुआ है, ये जो आपका लॉस हुआ है वो लॉस कब हुआ है? ये जो आपका लॉस हुआ है वो कब हुआ है? ये लॉस हुआ है फिनिश गुड्स बनने के बाद। इसके लिए हम क्या लेंगे? मेटेरियल 100, लेबर 100 एंड ओवरहेड 100। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि नहीं, आपका प्लांट का डिजाइन तो प्रॉपर है, योर वर्कर इज नॉट डूइंग वेल, उसने क्या कर दिया? 300 केजी कर दिया। इसका मतलब आपको 700 मिलेगा और आपको स्क्रैप निकलना चाहिए 200, उसने बराबर से जूस नहीं निकाला उसका बराबर, और ये 100 केजी उसने और बढ़ा दिया। इसका मतलब इसमें मेटेरियल तो पूरा लॉस हुआ हमारा 100%, लेकिन लेबर एंड ओवरहेड क्या हुआ? 13%। आपको ज्यादा मगजमारी नहीं करना है, आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि अगर बाई चांस एग्जाम में बोला है कि स्क्रैप्ड उसने क्या बोला है, स्क्रैप्ड अपने को बोला है कि यूनिट्स एक्चुअली स्क्रैप्ड इज 1200, द स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ दीज यूनिट्स वाज मटेरियल 100%, लेबर 80% एंड ओवरहेड 80%। सही है सर फ्रेंड्स, ऑलराइट। अब आप आ जाइए नेक्स्ट। ओके, सो दिस इज योर स्टेप नंबर टू। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट। मटेरियल्स टोटल कॉस्ट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। मटेरियल्स 36,800 लेस रियलाइजेशन फ्रॉम नॉर्मल लॉस। व्हाट इज द नॉर्मल लॉस? आपका नॉर्मल लॉस कितना हुआ फ्रेंड्स? नॉर्मल लॉस इज ए 800 और कितने में बिकेगा? 4 रुपीज। दे रखा ना क्वेश्चन में 800 यूनिट्स इंटू 4 32, 36,800 लेस 3200 इज 33,600। लेबर ओवरहेड 16,740,8370 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट प्रोडक्शन 8400,8370 33,600 डिवाइडेड बाई 16,740 डिवाइडेड बाई 8370 2 एंड 1। ये आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कॉस्ट पर यूनिट 4, 2 एंड 1। ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू फाइंड आउट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट व्हाट इज द नॉर्मल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इट मीन्स वेन एवर देर इज ए लॉस बिकॉज ऑफ योर ओन मिस्टेक, दैट लॉस यू कांट रिकवर फ्रॉम द कस्टमर, इफ यू आर गोइंग टू रिकवर यू कैनॉट सर्वाइव बिकॉज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज। ठीक है, देन यू गो योर
स्टेप नंबर थ्री, स्टेटमेंट शोइंग वैल्यूएशन ऑफ आउटपुट, स्टेटमेंट शोइंग वैल्यूएशन ऑफ आउटपुट फर्स्ट। Finish goods 1, quantity, rate, amount, material, labor, overhead। अब material में आपको क्या दे रखा है, opening cost, opening cost, how much is the opening cost? 4,000 rupees, add labor and overhead, okay, 320, into what is the rate per unit is 2 and 1, 640, 320, 4,000, 640 and 320, 4,960. Then finished goods 2, material, labor, overhead, 7,100, 7,100, 7,100 into what is the rate, 4, 2 and 1, 7,100 into 4, 28, 400, 7,100 into 2, 14,200 and 7,100, 28,400, 14,200, total cost of finished goods 1 plus 2, this is 2 and this is 1, 4,960, 5,466, this is the finished goods का cost हो जाएगा। सही है, सुनो guys, ये आपका क्या आ जाएगा friends, cost of the finished goods, राइट, ये आपका क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, कॉस्ट ऑफ द फिनिश्ड गुड्स। देन यू गो टू क्लोजिंग WIP, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, 900, 630, 630, 900, 630, 630, say yes or no, into what is the cost per unit, 4, 2 and then abnormal loss, material labor overhead is 400, 320, 900 into 4,
3600 1260 630 into 2 1260 630 3600 1260 and 630 5490 and 1600 320 into 2 640 and 320 1600 640 plus 320 is 2560. Say yes or no. All right, and then there is a step number 4. Step number 4. This is for sales account. Particulars, quantity, amount, particulars, quantity, amount. This is debit side, this is 2 opening WIP, 2 opening WIP, 800, 4000, 2 material, to लेबर टू ओवर, सब कुछ तो आपको दे रखा है प्रिंटेड फॉर्म में ना, तो इतना मैं एकदम डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ मेटेरियल लेबर एंड दिस ना। 36 800 16 740 8370 by normal loss by finished goods by closing WIP by abnormal loss 800 3200 7900 54660 900 5490 400 2560 normal loss abnormal loss 2 process account $800 3200 400 2560 input था अपना 9200 10000 it means 4 36 800 16 740 8370 65 910 800 plus 7900 900 400 3200 5460 54 90 2560 is 65 910 by cash account 400 and 1600 बाकी का by costing P&L account मतलब जिस हिसाब से आपका नॉर्मल लॉस बिकेगा उसी रेट से आपका एबनॉर्मल लॉस भी बिकेगा।
द पर्सन हु इज परचेजिंग योर नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस इज नॉट कंसर्न वेदर वो नॉर्मल लॉस है कि वो एबनॉर्मल लॉस है, वो आपको किस हिसाब से देगा, वो आपको रेट से देगा एट द रेट ऑफ नॉर्मल लॉस। सही है, सुनो। ओके, सो आपको और भी याद रखना है, नोट कभी भी देना है इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, कभी भी अगर आपको नहीं दे रखा है मेथड ऑफ वैल्यूएशन तो फीफो लेना है, राइट। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ एग्जाम में। सपोज अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई यार आपके पास टाइम नहीं है, कभी कभी वो एग्जाम में बोलती है ना टाई और सप्लीमेंट फर्स्ट, टाई और सप्लीमेंट फर्स्ट, राइट। आपका क्वेश्चन बाकी है, आपको लग रहा है यार मेरा पूरा बाकी है क्वेश्चन, और ये लेडी बोल रही है टाई और सप्लीमेंट फर्स्ट, टाई और सप्लीमेंट फर्स्ट, तो आपको ऐसे मतलब थोड़ा शॉर्टकट में जाना चाहिए। आपको लगता है कि यार लेबर एंड ओवरहेड का कंप्लीशन परसेंटेज जो कि नॉर्मली सेम रहता है, अगर लेबर एंड ओवरहेड का कंप्लीशन परसेंटेज सेम है बराबर, तो आप उसको कंबाइंड कर सकते हो, राइट। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको फीफो मेथड लेना है वैल्यूएशन में। और एक मैं आपको कराता हूं मिसिंग फिगर, लेकिन मिसिंग फिगर के लिए आपको मेरा अगर चार्ट आता है तो विद इन ए सेकेंड आप वो मिसिंग फिगर का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब आप आ जाइए, आपका एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 आप जरा देख लीजिए। फिर ये मिसिंग फिगर है, इसमें आपको फिनिश गुड्स नहीं दे रखा है, राइट। फिनिश गुड्स आपको नहीं दे रखा है तो वो जरा आप देख लीजिए करके ना, क्या क्या वो अपने को बोल रहा है। आप ऑलराइट, फिनिश आप जरा देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का। तो मैंने नोट भी दिया है यहाँ पे सॉल्यूशन बुक में पेज नंबर 7.36 पे, मैंने आपको पेज नंबर 7.36 ये है आपका सॉल्यूशन बुक पेज नंबर 7.36 पे, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन द बेस्ट मेथड फॉर वैल्यूएशन इज फीफो। सॉल्यूशन बुक में आप देख लीजिए 7.36 पे, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन द बेस्ट मेथड ऑफ वैल्यूएशन इज फीफो बिकॉज इट ऑलवेज गिव्स द करेक्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड द सेम इज टेक्निकली ऑल्सो करेक्ट इन केस ऑफ प्रोसेस। तो प्रोसेस में जो पहले आपने डाला है पहले वही तो आउट होगा, तो फीफो टेक्निकली ये ऑल्सो करेक्ट है। इफ द आउटपुट ऑफ फिनिश गुड्स इज नॉट गिवन, इफ द मेथड ऑफ वैल्यूएशन इज नॉट गिवन, इफ द टाइम शॉर्ट है, ये तीन नए पॉइंट में इस क्वेश्चन में करूंगा। इफ द आउटपुट ऑफ फिनिश गुड्स आपको मिसिंग है क्वेश्चन नंबर 8 में, अभी मैं कराऊंगा, आउटपुट नहीं है, मेथड ऑफ वैल्यूएशन नहीं है और आपका टाइम शॉर्टेज है एग्जाम में। ओके, तो पहले आप जरा देख लीजिए, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 45 इन क्वेश्चन बुक, क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर से स्टार्ट हो रहा है 7.36 से, वर्किंग नोट इन सॉल्यूशन 7.36 से 7.37 पे कंटिन्यू हो रहा है, राइट। सॉल्यूशन सही है सर, क्वेश्चन नंबर 8 पेज नंबर 45 आप देख लीजिए। द फॉलोइंग डाटा रिलेट टू प्रोसेस क्यू, हम लोग हैं प्रोसेस क्यू में बराबर है, ओपनिंग डब्ल्यू आई पी है 4000, ओके, उसका मटेरियल लेबर ओवरहेड 100% 60% एंड 60%, और उसका अपने को कॉस्ट दे रखा है 24 प्लस 14400 प्लस 7200, तो ये आपका ओपनिंग डब्ल्यू आई पी का कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस पी से हमें मटेरियल मिला है 40,000 एंड उसका वैल्यू है 171, फिर हम लोगों ने मटेरियल डाला है क्यू में अनदर मटेरियल डाला है 79,000, लेबर है 138, 230, 69, 120, क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी है अपने पास 3000, उसका लेवल ऑफ कंप्लीशन है मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड 100% एंड 50%, यूनिट स्क्रैप्ड हुई है, इसका मतलब एक्चुअल लॉस, अब जरा ध्यान रखना, एक्चुअल लॉस है 4000, उसका लेवल ऑफ कंप्लीशन है मटेरियल 100% एंड लेबर ऑन ओवर है 80%, नॉर्मल लॉस 5%, यूनिट जो आपके हैं वो 1.5 के हिसाब से सेल होंगी,
एंड कंप्लीटेड यूनिट्स आर ट्रांसफर टू वेयर हाउस राइट. इक्विवेलेंट यूनिट्स स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोसेस एंड एनी अदर अकाउंट्स. अब देखो पहला है इसमें आपको मैंने क्या बताया था कि आपके पास इन फिनिश गुड्स का मेथड ऑफ वैल्यूएशन नहीं है. इट मींस वैल्यूएशन अगर नहीं है तो हम कौन सा लेंगे, फीफो. ओके फिनिश गुड्स मिसिंग है, आउटपुट इसमें नहीं दे रखा है, इसका मतलब हम क्या बनाएंगे अपना चार्ट. अब आपको मेरी बहुत याद आएगी, आपको चार्ट बनाना पड़ेगा. और अगर शॉर्टेज है टाइम में, एग्जाम में टाइम शॉर्ट है, तो आप लेबर एंड ओवरहेड को कंबाइन कर सकते हैं. लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि हर जगह लेबर एंड ओवरहेड का ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में भी मटेरियल 100%, लेबर ओवरहेड 60%, देन उसके बाद क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में भी 150 है चलेगा, और यूनिट स्क्रैप में भी 180 है चलेगा. इसका मतलब हम लोग कंबाइन करके सॉल्व कर सकते हैं, है ना. अब देखो आपको सबसे पहले मेरा आएगा चार्ट. ओके सो दिस इज योर वर्किंग नोट नंबर 1. बहुत ध्यान से देखिए आप यार, है ना. दिस इज योर प्रोसेस क्यू, ओपनिंग WIP. व्हाट इज द ओपनिंग WIP? 4000. व्हाट इज द लेवल ऑफ कंप्लीशन? मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, क्योंकि सेम है इसके लिए अपन साथ में ले रहे कंबाइन, क्योंकि टाइम शॉर्ट है. आपका एक दो मार्क जा सकता है, लेकिन अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो क्या करोगे, आपको क्वेश्चन तो एग्जाम में कंप्लीट करना है. ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए इनपुट. व्हाट इज योर इनपुट? इज ए 40,000, मिलके क्या हो जाएगा 44. अब आप आ जाइए आपका नॉर्मल लॉस. क्या बोल रहा है? 5% ऑफ द करेंट इनपुट. करेंट इनपुट कितना है? 40,000. इट मींस आपका लॉस कितना होगा? 2000. इसको बहुत ध्यान से अंडरलाइन भी कर लेना. नॉर्मल लॉस 5% ऑफ द करेंट इनपुट. करेंट इनपुट आपका कितना है? करेंट इनपुट है आपका 2000. इट मींस एक्सपेक्टेड आउटपुट आपको मिलेगा इज 42,000. ठीक है, आप उसमें से दे दीजिए क्लोजिंग WIP. व्हाट इज द क्लोजिंग WIP? इज 3000 यूनिट्स, जिसका कि मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड 100% एंड 50%. सही है सोनो फ्रेंड्स. ओके इट मींस योर एक्सपेक्टेड आपका फिनिश्ड गुड्स कितना आएगा इज 39,000 यूनिट्स. ओके अब अपने को नहीं पता है कि एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है. क्वेश्चन में एक्चुअल प्रोडक्शन दे ही नहीं रखा है, एक्चुअल आउटपुट नहीं दे रखा है, मेथड ऑफ वैल्यूएशन नहीं दे रखा. मेथड ऑफ वैल्यूएशन नहीं दे रखा है, हम लोग क्या अज्यूम करेंगे? फीफो. इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, मैंने आपको नोट भी दिया है पेज नंबर 7.36 पे, मैंने वर्किंग नोट लिखा है. इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन द बेस्ट मेथड ऑफ वैल्यूएशन इज फीफो, बिकॉज इट ऑलवेज गिव्स द करेक्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, एंड द सेम इज टेक्निकली ऑल्सो करेक्ट इन केस ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग. 7.36 सही है सुनो फ्रेंड्स. दूसरा, आपको आउटपुट नहीं दे रखा है, मेरी बात जरा ध्यान रखना. मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बोला था एक्चुअल लॉस इक्वल टू नॉर्मल लॉस प्लस एबनॉर्मल लॉस. बोलो बोलो था कि नहीं? एक्चुअल लॉस इक्वल टू नॉर्मल लॉस. अब एक्चुअल लॉस यहां पे अपने को क्या दे रखा है, देखो जरा. एक्चुअल लॉस मैंने आपको बोला था एक्चुअल लॉस इक्वल टू योर नॉर्मल लॉस प्लस एबनॉर्मल लॉस. अब देखो आपको एक्चुअल लॉस दे रखा है 4000 और आपका
नॉर्मल लॉस कितना था? नॉर्मल लॉस था आपका 2000, देखो नॉर्मल लॉस 2000, इसका मतलब आपका एबनॉर्मल लॉस कितना रहेगा? 2000। टोटल लॉस आपको स्क्रैप देकर है 4000, 4000 मटेरियल 100% एंड लेबर एंड ओवरहेड 80%। इसका मतलब ये क्वेश्चन में आपका एबनॉर्मल लॉस, ये आपका एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस टोटल एक्चुअल लॉस 4 है, उसमें से 2 आपका नॉर्मल है, इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस आपका क्या होगा? 2। और लेवल ऑफ कंप्लीशन होगा मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड क्या? 100% एंड 80%। सही है सर। देन आपका आएगा दिस इज योर एक्सपेक्टेड, दिस इज योर फिनिश्ड गुड्स, ये आपका क्या आ जाएगा? फिनिश्ड गुड्स 37, राइट। पहले अपना 4 जाएगा, फिनिश गुड्स 1 हो जाएगा दिस, एंड फिर आपका फिनिश गुड्स 2 हो जाएगा, राइट। फिर आपका क्या हो जाएगा? फिनिश गुड्स 4, 4 में मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड nil 40%, देन 33 मटेरियल लेबर 100 सही है सर। आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है बोलो? परफेक्टली क्लियर, नो कंफ्यूजन। तो इसमें एक नया पॉइंट अपन ने क्या दे रखा है कि आपको मेथड ऑफ वैल्यूएशन नहीं दे रखा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि आउटपुट मिसिंग था, आउटपुट कैसे ढूंढा आपने, अगर ये कंसेप्ट आपको नहीं पता है तो आप बहुत मुश्किल में आ जाएंगे फ्रेंड। आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल लॉस इक्वल टू एक्चुअल लॉस इक्वल टू नॉर्मल लॉस प्लस एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस 2000, एबनॉर्मल लॉस 2000 एंड मिलके क्या हो जाएगा? 4, जिसका लेवल ऑफ कंप्लीशन है 180। सही है सर। इट मींस अब आप आ जाइए स्टेप नंबर 1। स्टेटमेंट showing equivalent production and method is FIFO. Input particulars, output material, labor, overhead. Percentage quantity, percentage quantity, percentage and quantity. Input. Input is 4000. This is opening WIP. Whatever. Then there is a fresh input of 40, ये अपने को कहां से मिला है? प्रोसेस पी, बराबर। देन फिनिश गुड्स 1 आपका क्या आ जाएगा बोलो? पहला आपका आ जाएगा फिनिश गुड्स 1, फिनिश गुड्स 1 आपका क्या होगा? 4000 मटेरियल nil, लेकिन लेबर एंड ओवरहेड के केस में 40%। इसको कंबाइन ही ले लेंगे ना, लेबर एंड ओवरहेड हम लोग कंबाइन कर रहे हैं ना, आउटपुट मटेरियल परसेंटेज क्वांटिटी परसेंटेज क्वांटिटी nil nil 40% 1600 देन
टोटल हमारा फिनिश गुड्स कितना है, सॉरी इस इज़ फिनिश गुड्स 1,4,000, 40% 1,600, देन फिनिश गुड्स 2, 33,000, 100%, 100%, सही आंसर है। नॉर्मल लॉस 2,000, WIP 3,000, 100%, 3,000, 50%, 1,500, and then abnormal loss 2,000, 100%, 2,000, 80%, 1,600, 44, 4 plus 33 plus 2 plus 3 plus 2, 44, 38, 1,600, 3,300, 1,500, and 36,700. ये आपका नॉर्मल प्रोडक्शन हो गया, सही है सर। ये आपका क्या हो जाएगा बोलो, नॉर्मल प्रोडक्शन। उसके बाद अपन क्या निकालेंगे फ्रेंड्स, आपका कॉस्ट। नेक्स्ट इज योर स्टेप नंबर 2, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट। मेटेरियल्स टोटल कॉस्ट, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट, मेटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम पी 171, अदर मेटेरियल, अदर मटेरियल इज 71 plus 79 250, रियलाइजेशन फ्रॉम नॉर्मल लॉस 2,000 इंटू 1.5 3,000, 2,47,000, लेबर एंड ओवरहेड 138,230 प्लस 37,750 divided by 37,750 divided by 37,738,000। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकाला था ना अपन ने, 38,000 and 37,700, 247 divided by 38,000, 6.5, 207,350 divided by 37,700 is 5.5. Is this clear? ये आपका क्या हो गया,
कॉस्ट पर यूनिट, राइट। उसके बाद स्टेप नंबर 3 इज statement showing valuation of output. Finished goods 1, quantity, rate, amount. Quantity, rate, amount. Finished goods 1. आपको opening cost क्या दे रखा है? 24, 14,400. 7200 आपका ओपनिंग कॉस्ट हुआ 45,600। ये आपका मटेरियल 100% का कॉस्ट, मटेरियल का, लेबर का 60% ऑफ लेबर, 60% ऑफ ओवरहेड। देन यू एड द कॉस्ट ऑफ लेबर एंड ओवरहेड, अभी तो कंबाइंड ही ले रहे हैं ना अपन फ्रेंड्स, 1600 into 5.5 8,054 400 सही है सुना। देन फिनिश गुड्स टू, मेटेरियल, लेबर एंड ओवर हेड 33 into 6.5 5.5 33 into 6.5 214 500 33 into 5.5 181 500 14 500 is 396 total cost of finished goods 1 + 2 450 400 सही है। दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ योर फिनिश्ड गुड्स, ये आपका ओपनिंग कॉस्ट हो गया, ये लेबर एंड ओवरहेड का कॉस्ट, फिर ये इस बार का कॉस्ट मिलके आपका। देन यू गो टू क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, राइट। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी मींस मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड 3,000 and 1,500 देन एबनॉर्मल लॉस मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड इतना है 2,000 and 1,600 into cost per unit will be 6.5 5.5 6.5 3,000 into 6.5 is 19,500 1,500 into 5.5 is 8,250 13,000 1,600 into 5.5 is plus 13,000 is 21,800
19500 + 8250 = 27750. ओके, देन स्टेप नंबर 4, प्रोसेस क्यू अकाउंट. तो ओपनिंग डब्ल्यू आई पी 4000 कॉस्ट हो जाएगा इसका 24000 + 14400 + 7200 = 45600. टू मटेरियल प्रोसेस पी, प्रोसेस पी से कितना मिला है 40171. टू मटेरियल 79. टू लेबर 138 230. टू ओवरहेड 69120. बाय नॉर्मल लॉस 2000 3000. By finished goods account, warehouse पे चला गया friends, 37450 400. Then by abnormal loss 2021 800. By closing WIP 3027 750. Total 44 44 45 600 171 79 138 230 69 120 502 950. Say yes or no. Then you go to normal loss account. Abnormal loss account to process Q account to process Q account 2000 3000 2021 800. Buy cash 2000 3000. Buy cash 2000 3000. And buy costing P&L account is 18 800. That's it. तो ये आपका कंप्लीट हो गया इसके साथ. सही है सर, परफेक्टली क्लियर हो गया. कभी कभी अपन को ये भी बोल सकता है, कभी अगर आपको ये बोले कि नॉर्मल लॉस, दिस इज नॉर्मल लॉस 10% ऑफ प्रोडक्शन आउटपुट थ्रूपुट और थ्रू आउट, तो आपको लेना है 10% ऑफ ओपनिंग डब्ल्यू आई पी प्लस इनपुट माइनस क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी.
ये जो निकल के आएगा ओपनिंग डब्ल्यू आई पी इसमें ऐड करो क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी उसका 10%। जैसे सपोज आपका ओपनिंग डब्ल्यू आई पी 2000 है, ये आपका 10000 है, माइनस 1000 है आपका, तो कितना हो गया 12000, तो इंटू 10% आपका लॉस होगा 1100। ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। सही है सर, ओके, ऑलराइट।